हेलो डियर स्टूडेंट्स, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का जो सेकंड चैप्टर है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और इस सेकंड चैप्टर के अंदर अगर हम डिस्कस करने की कोशिश करें तो इस चैप्टर का नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टूगेदर। और ये जो चैप्टर है वो हॉर्नबिल जो बुक है उससे हम डिस्कस कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने भी अपने साथ अपनी बुक रखी होगी साथ में, ताकि आप एक साथ चीजों को सीख पाएं और समझ पाएं। और यहां पे हम कंप्लीट इंग्लिश टू हिंदी लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशंस को देखेंगे। इंपॉर्टेंट जो वर्ड मीनिंग होगी वो भी बीच बीच में डिस्कस करते रहेंगे और क्वेश्चन आंसर को भी डिस्कस करेंगे। यानी कि एक कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स के अंदर सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस चैप्टर के अंदर क्या दिया हुआ है और कैसे आप इस चैप्टर को समझ सकते हो। तो यहां पे चैप्टर को अगर हम समझने की कोशिश करें यहां से, तो यहां पे लिखा हुआ है इन जुलाई 1976 माय वाइफ मैरी, सन जोनाथन 6 ईयर, डॉटर सुजैन 7 और एंड आई सेट सेल फ्रॉम पलिमाउथ इंग्लैंड टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वियोग मेड 200 इयर्स अर्लियर बाय कैप्टन जेम्स कुक। और यहां पे दिया हुआ है कि जो जुलाई है, जुलाई 1976 में जो मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी मैरी जिसका नाम मैरी है, और मेरा बेटा जोनाथन जो कि 6 साल का है, डॉटर जिसका नाम सुजैन है और वो जो है वो 7 साल की है, आई शेट सेल फ्रॉम पलिमाउथ और मैं जो प्लेमाउथ इंग्लैंड से हम लोग रवाना हुए। और जैसे ही हम लोग इंग्लैंड से रवाना हुए, कैप्टन जेम्स कुक, तो जो कैप पहले ताकि जो 200 इयर्स पर पहले जो कैप्टन कुक के द्वारा दी गई दुनिया भर में जो यात्राएं हैं उनकी नकल की जाए। फॉर द लॉन्ग टाइम मैरी एंड आई और 37 ओल्ड बिजनेसमैन हैड ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग इन द वेक द फेमस एक्सप्लोरर एंड द पास्ट 16 इयर्स we had spent all our leisure time honing our seafaring skills in British water। अब यहां पे लिखा हुआ है कि लंबे समय तक, यानी कि काफी लंबे समय तक मैं और मेरी पत्नी मैरी जो कि एक 37 years old businessman थी, व्यवसायी थी, ने जो प्रसिद्ध जो भी यहां पे चीजें हैं उसको हमने पिछले 16 सालों में जो भी हमारा खाली टाइम होता था उसको हमने बिताया है। और जो भी अपना जो स्किल्स हैं उन सबको हमने जो ब्रिटिश वाटर्स हैं वहां पे हमने दिखाया है, खाली समय वहीं बिताया था। आवर बोट वे वॉक अ 23 मीटर 30 टन्स वुडन हल ब्यूटी हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट एंड वी हैड स्पेंट मंथ फिटिंग इट आउट and testing it in roughest weather we could find। अब यहां पे लिखा हुआ है कि our boat, जो हमारी नाव है जिसका नाम वेव वॉकर और जो कि एक 23 मीटर है और इसके अलावा 30 टन्स की जो लकड़ी है उस 30 टन्स की जो लकड़ी है उसकी सुंदरता वाले एक प्रोफेशनली उसको बिल्ड की गई है, बनाई गई थी और इसको ठीक करने के लिए हमने सबसे खराब मौसम में इसका टेस्ट किया एंड रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड। और हमने यहाँ पर सबसे खराब मौसम में भी इसे ठीक करने के लिए, प्रशिक्षण करने के लिए बहुत समय हमने बिताया। द फर्स्ट लेग ऑफ द प्लान 3 ईयर्स 105,000 किलोमीटर, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 10500 किलोमीटर जर्नी पास्ट प्लीजेंटली एज वी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन। अब हमने जब हम अफ्रीका के जो पश्चिमी तट है वहां पे केप टाउन के लिए जब हम रवाना हुए तो हुआ क्या कि जो हमारी 3 साल में जो हमने करीब 100 आप कह सकते हो कि किलोमीटर की यात्रा हमने करी है
और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो कि एक पहला जो फेज था वो काफी अच्छा हमारा गुजरा, बहुत ही अच्छा था। देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट वी टुक ऑन द टू क्रू मैन अमेरिकन लैरी विजिल एंड द स्विस हर्ब सेगलर टू हेल्प अस टू टैकल वन ऑफ द मोस्ट वर्ल्ड रफेस्ट सीज द साउथर्न इंडियन ओशन। और यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो पहले की ओर जाने वाली जो हमने क्रूमेन में जो अमेरिकन लैरी विजिल और जो स्विस हर्ब है जिसको हम सीगलर कहते हैं, और स्विस हर्ब सीगलर को दुनिया के सबसे कठिन जो समुद्र की यात्राएं हैं जिसमें दक्षिणी हिंद महासागर से निपटने में मदद करने के लिए हमने लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक एक जिस तरीके से हम पैराग्राफ्स को डिस्कस कर रहे हैं और आई होप की चीजों को भी आप समझ पा रहे होंगे। अपनी बुक में भी आप डिस्कशन देखिए और एक साथ बैठ करके जो नोट्स बनाते हैं ना, अगर आप इंग्लिश में इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं ना तो रीडिंग की हैबिट्स आपको डालनी ही पड़ेगी। क्योंकि अगर आपको जैसे मान लीजिए इनकाउंटर का मतलब नहीं पता, जब मैं यहाँ पे आऊंगा चीजों को डिस्कस कर रहा हूँ तो आप देखिए कि उसकी मीनिंग क्या है। आप लिखिए, पेंसिल लेकर के बैठिए, हाईलाइटर लेकर के बैठिए, देखिए आप पढ़ना है ना तो यार अच्छे से पढ़ना होगा हमें। और लिखा है ऑन आवर सेकेंड डे ऑफ केप टाउन, केप टाउन के बाहर हमारे जो दूसरे दिन थे, वी बिगिन इनकाउंटर। इनकाउंटर मतलब होता है स्ट्रॉन्ग गेल्स, मतलब कि हमें तेज आंधी का सामना करना पड़ा। और फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अगले कुछ दिनों, वी ब्लू कंटिन्यूसली, और हम अगले कुछ हफ्तों तक लगातार उन्होंने हमें क्या किया, उड़ा दिया लगातार एक तरीके से। गेल्स डिड नॉट वरी मी बट द सी साइज ऑफ द वेव्स वॉज अलार्मिंग, अप टू 1,500 मीटर्स एज हाई एज आवर मेन मास्ट। अब ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि जो गेल्स था उससे मेरी कोई चिंता नहीं, लेकिन जो लहरें थी, जो वेव्स थी, वो अलार्म्स थी, वो उनका जो साइज था वो खतरनाक था 15 मीटर तक, और हमारे जो मुख्य जो मेन मास्ट था वहां से उससे जितना ऊंचा था। दिसंबर 25, 25 दिसंबर को फाउंड अस 3,500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन, और हम केप टाउन से करीब 3,500 किलोमीटर ईस्ट की तरफ यानी कि पूरब में हमें मिला। और डिस्पाइट डिस्पाइट का मतलब होता है कि बावजूद एट्रकियस वेदर, वी हैड वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विथ क्रिसमस ट्री, न्यू ईयर डे शॉ नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर बट वी रीजन्ड दैट इट हैड नो चेंज सून एंड इट डिड चेंज फॉर द वॉश। अब हम कह सकते हैं यहाँ पे कि भयानक जो मौसम था उस मौसम के बावजूद हमने क्रिसमस ट्री के साथ एक शानदार जो हॉलीडे था वो कंप्लीट की। नए साल के दिन मौसम में कोई सुधार नहीं देखा। न्यू ईयर डे शो नो इम्प्रूवमेंट इन अ वेदर बट वी रीजेंट, लेकिन हमने तर्क दिया कि जल्दी ही हमें इसे बदलना होगा, और यह बदल गया बद से बदल गया बदतर के लिए, राइट। और एट द सेम एट डाउन ऑन 2nd जनवरी, और आप कह सकते हो कि 2nd जनवरी को द वेव्स वर गिग्नेटिक, वी वर सेलिंग विथ ओनली द स्मॉल स्ट्रॉम जिप एंड वर स्टिल मेकिंग 8 knots एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव, वी कुड सी एंडलेस एनमरस सीज रोलिंग टूवर्ड्स अस एंड द स्क्रीमिंग ऑफ विंड एंड स्प्रे वॉज पेनफुल टू द ईयर्स। अब यहां पर लिखा हुआ है कि 2nd जनवरी को बिल्कुल सुबह में हमने बहुत ही जो चीजें देखी, बहुत ही भयंकर हमने देखा कि जो लहरें थी वो बहुत ही विशाल थी। हम केवल एक छोटे से तूफान के साथ में वी आर सेलिंग, हम नौका एंग कर रहे थे, मतलब बोर्डिंग कर रहे थे, सेलिंग कर रहे थे विद अ स्मॉल स्ट्रॉम जिप, और तभी अभी भी हम समुद्र मील से 8 मील बना रहे थे, स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स, हम नोट्स बना रहे थे, नॉट यानी गांठे होती है ना,
As the ship rose the top of the Varavi could see endless enormous seas rolling towards us. तो हमने देखा जैसे ही जहाज प्रत्येक लहर के शीर्ष पर पहुंचा तो हम अंतहीन जो विशाल की समुद्र हैं उसको लड़कते हुए देख सकते थे और हवा और स्प्रे की चीखें कानों में दर्दनाक थी, पैनफुल था वो जो हवा की जो स्प्रे थी बहुत ही. टू स्लो द बोट डाउन वी ड्रॉप्ड द स्ट्रॉन्ग जिब एंड लैश्ड अ हैवी मूरिंग रोप इन द लूप अक्रॉस द स्ट्रेन. अब यहां पे क्या लिखा हुआ, टू स्लो द बोट, इसका मतलब क्या हुआ, नाव को धीमा करने के लिए हमने जो तूफान जिप को गिरा दिया था, राइट. वी बोट डाउन वी ड्रॉप द स्ट्रॉन्ग जिप, जो जिप थी उसको हमने गिरा दिया. एंड लेस द हैवी मोरिंग रोप इन द लूप अक्रॉस द स्ट्रन, हमने क्या किया कि एक भारी जो मूरिंग रस्सी के स्टन को पार एक लूप में बांध दिया और फिर हमने उसको डबल लैश किया, डबल किया, विद डबल लैश एवरीथिंग, सब कुछ डबल बांध दिया अच्छी तरीके से. और वेंट थ्रू आवर लाइफ लाइक अ राफ्ट ड्रिल, और जो हमारी जिंदगी थी वो बिल्कुल एक जो राफ्ट ड्रिल तरीके से थी वो हमने देखा. अटैच लाइफ लाइन्स, डोंट ऑयल स्किन्स एंड द लाइफ जैकेट्स एंड वेट इट, हमने क्या किया कि जो लाइफ जैकेट्स थी उसको दान किए हुए जो ऑयल्स ऑयल स्किन थी वो एंड वेटेड हम इंतजार किया हमने. द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट 6 PM. अब हुआ क्या कि जो पहला जो डिजास्टर था उसका जो हमें जो संकेत मिला उसका जो इंडिकेशन था वो शाम के 6 बजे, एक आप कह सकते हो कि अशुभ आप कह सकते हो कि चीजें थी हमारे लिए, और शाम को 6 बजे वो चीज जो थी हमें यहाँ पे मिली. विथ द ओमिनियस साइलेंस द विंड ड्रॉप्ड एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रीव डार्क, देन केम अ ग्रोइंग रोर एंड एनोमरस क्लाउड towards aft of the ship. With horror I realized that it was not a cloud but wave no other I had ever seen. वो कह रहे हैं कि ये जो पहली जो आपदा है उसका संकेत करीब 6 बजे अशुभ सन्नाटे के साथ आया, हवा चली, आकाश में तुरंत अंधेरा छा गया, right, ominous silence, अंधेरा छा गया. फिर एक बड़ी सी गर्जना हुई, wind dropped and enormous cloud toward aft, right, and sky immediately grew dark and growing roar. एक बहुत ही बड़ी गर्जना हुई और गर्जना होने के साथ एक बड़ा बादल जहाज के पीछे ही गिर गया. फिर डर के मारे हमने महसूस किया कि वो बादल नहीं था बल्कि एक ऐसी लहर थी जैसे मैंने कभी नहीं देखी थी. It appeared perfectly vertical and almost twice the height of the other waves with the fretful breaking crest. आप कह सकते हो कि पूरी तरीके से vertical और जो अन्य जो waves थी जो तरंगे थी उसकी ऊंचाई से लगभग 2 गुना दिखाई देता था और एक भयंकर और टूटती हुई शिखा होती थी. The roar यानी कि जो गर्जना है, जो गर्राहट है, अरे देखो ना बादल गरजते हैं वही वाला roar है. Increase the thunder as the stern moved up the face the wave and for the moment I thought we might ride over it or we roar increased. गर्जना में क्या होता है कि एक गड़गड़ाहट के रूप में बढ़ गई क्योंकि जो लहर है और लहर के चेहरे पर कड़ापन आ गया और एक पल के लिए मुझे लगा कि हम उस पर सवार हो सकते हैं, लेकिन तभी एक जबरदस्त जो विस्फोट उसने हमारी डेक को हिला दिया. एट द मोमेंट द फाइट राइड ओवर इट बट द ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन शॉक द डेक, डेक को हिला दिया. अ टॉरेंट ऑफ ग्रीन एंड व्हाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप, माय हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील एंड आई वाज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड एंड सिंकिंग बिलो द वेव. अब हुआ क्या कि यहां पर जैसे ही व्हाइट जो वाटर है ग्रीन है, एक जहाज की धारा टूट पड़ी और मेरा जो सिर था उसके पहिए से बिल्कुल टकरा गया और मुझे पता चला कि मैं
मैं पानी में उड़ रहा हूं, लहरों के नीचे डूब रहा हूं, और मैं अपने निकट जो मृत्यु आ रही है उसको मैंने एक्सेप्ट कर लिया था। आई एक्सेप्ट माई अप्रोचिंग डेथ एज आई वॉज लूजिंग कॉन्सियसनेस। आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, और जैसे जैसे मैं होश खो रहा था मुझे काफी शांति महसूस हुई। अनएक्सपेक्टली माई हेड पॉप्ड आउट द वॉटर, और अप्रत्याशित रूप से आप कह सकते हो कि जो मेरे सिर पानी से बाहर निकल गया। कुछ मीटर दूर पर वेव वॉकर पलटने के करीब था मैं। अ फ्यू मीटर अवे वेव वॉकर वॉज नियर कैपाइजिंग द मास मोस्ट ऑलमोस्ट होराइजन। उसके पलटने के ठीक में करीब था, और वो करीब आप कह सकते हो कि एक क्षैतिज मतलब हॉरिजेंटल थे। मतलब देखिए, वर्टिकल का मतलब ये होता है ये कुछ इस तरीके से था, वो हॉरिजेंटल राइट। और देन आई वेव हर्डल अप अपराइट, माई लाइफ लाइन जर्क टॉट, आई ग्रैब्ड द गॉड रेल्स एंड सेल्स, थ्रो द एयर इन टू द वेव वॉकर मैन बूम। अब यहाँ पे है क्या कि फिर एक लहर ने उसे सीधा कर दिया, और मेरे जीवन रेखा का जो बिल्कुल तनी हुई उसको झटका लगा। मैंने गार्ड रेल को पकड़ लिया, और हवा के माध्यम से जब ये वेव वॉकर चला बूम में चला गया, तो बाद में जो लहरें हैं वापस चीर कर गुड़िया की तरह डेक के चारों ओर उछाल दिया, और मेरी बाई जो पसलियां थी वो टूट गई। मेरे मुंह से खून भर गया, मेरे टूटे दांत, किसी भी तरीके से मुझे पहिया मिला, अगली लहर के लिए स्टर्न को खड़ा किया और लटका दिया। और हैंग ऑन यहाँ पे लिखा हुआ देखिए कि आई ग्रैब द गार्ड रेल, मैंने उसको पकड़ लिया। शेल थ्रो द एयर इन टू द वेव वॉकर मैन बूम, सबसिक्वेंटेड वेव टॉस्ड अराउंड द डेक लाइक अ रैग डॉल, माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, जो मेरी पसलियां थी वो क्रैक्ड हुई, माई माउथ फिल्ड विथ ब्लड, मेरा जो माउथ मुंह था वो खून से भर गया, एंड ब्रोकन टीथ, जो दांत थे वो टूट गए। समहाउ आई फाउंड द व्हील, जैसे तैसे करके मैंने व्हील को मिला, लाइन अप टेस्टेंस एंड नेक्स्ट वेव एंड हैंग ऑन, और अगली जो लहर के लिए स्टंट को खड़ा किया और लटका दिया। वाटर वाटर एवरीवेयर, हर जगह पानी पानी पानी, हर जगह पानी। आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो, और मुझे महसूस कर सकता था कि जहाज के नीचे पानी था, लेकिन मैं जांच करने के लिए पहिए को छोड़ने की हिम्मत नहीं की। बट आई डेड नॉट अबंडन द व्हील इन्वेस्टिगेट सडनली। मैं अचानक क्या हुआ कि सडन द फ्रंट ऑफ हैच वॉज थ्रोन ओपन, मैरी अपियर्ड, वी आर सिंकिंग, सी स्क्रीम्ड, द डेक आर स्मैश्ड, वी आर फुल ऑफ वाटर, टेक द व्हील, आई शाउटेड एज स्क्रीम्ड फॉर द हैच। हुआ क्या कि अचानक सामने का जो हैच था वो खुला फिका गया था, मैरी दिखाई दी, और हम डूब रहे हैं, वो चिल्ला रही है, डेक तोड़े जाते हैं, हम पानी से भरे हुए हैं, वी आर सिंकिंग, वो चिल्ला रही है, टेक द व्हील, पहिया ले लो। मैं चिल्लाया, आई शाउटेड, आई स्क्रीम्ड द हैच, और मैं हैच के लिए हाथापाई कर रहा था। लैरी लैरी एंड हब पंपिंग लाइक मैडमैन, ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट द क्रेजी एंगल्स, एंड द होल स्टारबोर्ड साइड बल्ड इनवर्ड्स, क्लोथ क्रॉकरी चार्ट्स टीन्स एंड ट्वाय स्लोस्ट अबाउट द डीप वाटर। लैरी और जो हर्ब थे वो पागलों की तरह पंपिंग कर रहे थे, जो टूटी हुई लकड़ियां एक कोणों पे लटकी हुई थी, पूरा जो स्टारबोर्ड था वो अंदर की ओर उभरा हुआ था, कपड़े क्रॉकरी चार्ट टिन खिलौने गहरे पानी में बह गए। आई हाफ स्वैम हाफ क्रॉल इन टू द चिल्ड्रंस कैबिन, आर यू राइट, आई आस्क्ड, यस दे आंसर्ड फ्रॉम द अपर बंक, बट माई हेड हर्ट अ बिट, शेड शुई पॉइंटिंग अ बिग बम्प एबव द आईज, आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड्स। और जब मैं आधा तैरा और आधा तैर कर बच्चों के केबिन में गया, तो मैंने पूछा क्या तुम ठीक हो, मैंने पूछ लिया। हाँ, उन्होंने ऊपर की
की चारपाई से उतर दिया, लेकिन सिर में थोड़ा दर्द हुआ। शू ने अपनी आंखों के ऊपर एक बड़े उभार की ओर इशारा करते हुए कहा, मेरे पास टकराए हुए सिर के बारे में चिंता करने का समय नहीं है, और वी आर नॉट टाइम टू वरी अबाउट द बम्प्ड हेड्स। आफ्टर फाइंडिंग द हैमर स्क्रू एंड कैनवास, आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक विद द स्टारबोर्ड साइड बेस्ट अपॉन वी आर टेकिंग वाटर विद ईच वेव दैट ब्रोक ओवर अस। If I couldn't make some repairs, we would surely sink। और एक हथौड़ा, सिकंजा और कैनवास को ढूंढने के बाद मैं वापस डेक पर संघर्ष कर रहा था। स्टारबोर्ड का जो किनारा खुला होने के साथ हम अपने ऊपर वाली प्रत्येक लहर के साथ पानी पी रहे थे। अगर मैं कुछ मरम्मत नहीं कर सका तो निश्चित रूप से हम डूब जाएंगे। Somehow, किसी भी तरीके से आई मैनेज स्ट्रेच कैनवास एंड सिक्योर वाटरप्रूफ हैच कवर अक्रॉस द गैपिंग होल्स। सम वाटर कंटिन्यूज स्ट्रीमिंग बिलो, बट मोस्ट ऑफ इट वॉज नॉट बीइंग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड। जैसे तैसे किसी तरीके से मैंने जो कैनवास था उसको फैलाने और जो गैपिंग होल्स थे उसको वाटरप्रूफ हैच कवर को सुरक्षित रखने में कामयाब रहा, और कुछ पानी नीचे बहता रहा, लेकिन अधिकांश भाग किनारे पर जो था वो विक्षेपित हो रहा था, डिफ्लेक्ट हो रहा था ओवर द साइड किनारे पर। मोर प्रॉब्लम अरोज व्हेन आवर हैंड पंप स्टार्टेड टू ब्लॉक अप द डेब्रिस फ्लोटिंग अराउंड द कैबिन्स एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किट। द वाटर लेवल रोज थ्रेटनिंगली बैक ऑन द डेक। I found that our two spare hand pump had been wrenched overboard along with the forestay sail, the jib and the dinghy and the main anchor. More problems arose. अब अधिक समस्याएं तब उत्पन्न हुई जब हमारे जो हैंडपंप के जो कैबिन थे उसके चारों ओर तैरते हुए मलबे, इलेक्ट्रिक पंप, शॉर्ट सर्किट से बिल्कुल वो रुका हुआ, मतलब रुकना शुरू हो गया, शुरू कर दिया, और रुद्ध होना मतलब स्टार्ट हो गया, और जो उसका जो जल स्तर था वो खतरनाक रूप से बढ़ रहा था। जो वाटर लेवल राइज थ्रेटनिंगली मतलब बहुत ही खतरनाक लेवल से बढ़ रहा था। बैक ऑन द डेक आई फाउंड दैट टू स्पेयर हैंडपंप, और मैंने पाया कि जो अतिरिक्त हैंडपंप पानी में बह गए थे साथ में फॉरेस्ट सेल, जीब, डिगीज और कुछ मेन जो एंकर हैं उनको हमने ढूंढा। देन आई रिमेम्बर्ड वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम फ्लोर। आई कनेक्टेड इट एन आउट पाइप एंड इट वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्क्स। देन तब मुझे याद आया कि चार्ट रूम के फर्श पर नीचे हमारा एक इलेक्ट्रिक पंप था, और मैंने इसे एक आउट पाइप से जोड़ा और यह जान करके ये काम कर गया, और आई कनेक्टेड दैट आउट पाइप एंड इट वॉज थैंकफुल टू फाइंड इट वर्क। द नाइट ड्रैग्ड ऑन द विथ एंडलेस ब्रिटली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग स्ट्रिंग वर्किंग द रेडियो। वी आर गेटिंग नो रिप्लाइज टू आवर मेडिकल्स विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर इन द वर्ल्ड। अब हुआ क्या, अब रात को जो पंपिंग है, जो स्टेयरिंग है, रेडियो पर काम करने की जो अंतहीन जो कोशिशें हैं वो एक कड़वी ठंडी की जो दिनचर्या है के साथ घसीटा गया, और हमने जो मेडिकॉल्स करें उस पर कोई जवाब नहीं मिल रहा था, जो दुनिया के इस सुदूर कोने में एक आश्चर्य बात नहीं थी। जो शू थे उस शू हैड स्लोवन अलार्मिंग, शी हैड नो एनोमरस ब्लैक आइज एंड हाउ शी सो अस डीप कट ऑन हर आर्म व्हेन आई आस्क व्हाई शी हैड नॉट मेड मोर हर इंजरीज बिफोर दिस। सी रिप्लाई, आई डिडंट वांट टू वरी यू व्हेन यू वर ट्राइंग टू सेव अस ऑल। जो शू
का जो सिर था वो खतरनाक रूप से सूज गया था और दो बड़ी काली आंखें थी। अब उसने हमें अपनी बांह पर एक गहरा सा कट दिखाया। जब मैंने पूछा कि इससे पहले वो अपनी अधिक चोटें क्यों नहीं दिखाई, तो उसने जवाब दिया, जब आप सभी को बचाने की कोशिश कर रहे थे, she replied, कि she didn't want to worry you, तो मैं आपको चिंता में नहीं करना चाहती थी, चिंतित नहीं करना चाहती थी। यहाँ लिखा हुआ है, by morning of January 3rd, the pump had water level sufficient under the control for us take 2 hours rest in rotation, but we still had tremendous leak somewhere below the waterline and the checking I found that nearly all the boats. 3 जनवरी को पंप के पानी के स्तर पर हमने नियंत्रण कर लिया था ताकि हम रोटेशन 2 घंटे का आराम कर सकें, लेकिन हमारे पास अभी भी पानी के जो नीचे की जो लाइन है उससे नीचे एक जबरदस्त रिसाव था, रिस रहा था। और जांच करने पर मैंने पाया कि लगभग सभी जो नावें हैं, जो नाव होती है, मेन रिव फ्रेम्स आर स्मैश्ड डाउन टू नील, इन फैक्ट देयर वाज नथिंग होल्डिंग अप द होल सेक्शन ऑफ द स्टारबोर्ड हल एक्सपेक्टेड अ फ्यू कपबोर्ड पार्टीशंस। और यहाँ पे देखा कि जो लगभग सभी नावें जो होती हैं, वो जो उनका जो मेन रिव का जो फ्रेम था वो उलटन करने के लिए नीचे तोड़ दिया गया। वास्तव में कुछ अलमारी और जो उनको अलग अलग करने के बाद उसको छोड़कर जो स्टारबोर्ड की पतवार थी पूरे हिस्से को पकड़े हुए कुछ भी नहीं था। और वी हैड सर्वाइव 15 आवर्स सिंस द वेव हिट, बट वेव वोका वुड नॉट होल्ड टूगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया। और हमने लहर के टकराने के हम 15 आवर्स बाद भी जिंदा थे, जीवित रहे थे, लेकिन वेव वॉकर हमारे लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के लिए पर्याप्त समय तक एक साथ नहीं रहे। वुड नॉट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया। आई चेक्ड आवर चार्ट एंड कैलकुलेटेड दैट देयर वर टू स्मॉल आइसलैंड अ फ्यू 100 किलोमीटर to the east, one of them Illy Amsterdam and was a French scientific base. Our only hope was reach these pinpricks in the vast ocean. और मैंने चेक किया कि चार्ट में मैंने चेक करी और ये देखा कि पूर्व की दिशा में कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर 2 छोटे-छोटे द्वीप हैं, उनमें से एक है इले एम्स्टर्डम, जो कि एक जो फ्रांसीसी वैज्ञानिक का आधार था, और हमारी एकमात्र जो आशा थी इस विशाल से महासागर के अंदर इन चुबनों तक पहुंचने की थी, पिनप्रिक्स टू वेस्ट ओशन। बट अनलेस द विंड एंड सीज अबेटेड सो वी कुड होइस्ट सेल, our chances would be slim indeed. The great wave had put our auxiliary engine out of action. But unless, लेकिन जब तक हवा और जो समुद्र है वो थम नहीं जाते ताकि हम पाल फहरा सकें और हमारी संभावना वास्तव में कम होगी कि जो लहर है, लहर के साथ जो इंजन है वो काम से बाहर कर दिया था उसने, इंजन आउट ऑफ द एक्शन। अब है डे January 4th, यानी कि January 4th आफ्टर 36 आवर्स कंटिन्यूस पंपिंग और 36 घंटे की पंपिंग के बाद 4 जनवरी को हम आखिरी कुछ सेंटीमीटर पानी तक पहुंचे। अब हमें केवल उस पानी के साथ तालमेल बिठाना था। After 36 hours continuous pumping, we reached the last few centimeters of waters. Now we had to only to keep pace with the water still coming in. We could not set sail on the main mast. Pressure on the rigging would simply pull damaged section of the full part. So we watched there
Stromzeep and headed for where I thought the good Iceland were. Mary found some corned beef and cracker biscuits. We ate our first meal almost 2 days. अब हुआ क्या कि 36 घंटे की लगातार पंपिंग के बाद और हमने आखिरी कुछ सेंटीमीटर पानी तक पहुंचे। अब हमें केवल उस पानी के साथ एक तालमेल बिठाना था जो अभी भी आ रहा था और हम मस्तूल पर कोई भी पाल नहीं रख सकते थे। हेरा फेरी का जो दबाव बस जो पतवार थी उसको क्षतिग्रस्त हिस्से को अलग कर देगा, इसलिए हमने स्ट्रॉम जीप को फहराया और जहां मुझे लगा कि दो द्वीप हैं। मैरी को कुछ कॉर्न बीफ और क्रेकर बिस्किट्स मिले। हमने लगभग 2 दिनों में पहला भोजन खाया था लेकिन हमारी जो राहत थी वो बिल्कुल अल्पकालीन थी, बहुत छोटे समय के लिए थी। बट आवर रिस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड एट 4 PM ब्लैक क्लाउड्स बिगिन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस। विद इन द आवर्स द विंड वॉज बैक टू 40 knots एंड सी वर गेटिंग हायर। द वेदर कंटिन्यूड टू डेट्रॉइट थ्रू आउट द नाइट एंड बाय डाउन ऑन जनवरी 5th आवर सिचुएशन वॉज अगेन डेस्परेट। हुआ क्या कि ये जो हमारी राहत थी ना वो केवल एक छोटे से समय के लिए थी, शॉर्ट लिव्ड के लिए थी, अल्पकालिक थी। और इवनिंग में 4 बजे एट इवनिंग अ ब्लैक क्लाउड फिर से काले बादल बनने लगे और 1 घंटे के भीतर 40 जो समुद्री मील्स के वापस आ गई थी और जो समुद्र के वो ऊंचे हो रहे थे। रात भर मौसम जो था वो बिगड़ता रहा। द वाइंड वॉज बैक टू 40 knots एंड सीज वर गेटिंग आयर। वेदर कंटिन्यू डेट्रॉइट थ्रू आउट द नाइट। डेट्रॉइट का मतलब खराब हो रहा था। बाय द डाउन ऑन द जनवरी 5th आवर सिचुएशन वॉज अगेन डेस्परेट। और 5 जनवरी को सुबह होते होते जो हमारी जो सिचुएशन थी और डेस्परेट हो गई और विकट हो गई। व्हेन आई वेंट इन कंफर्ट द चिल्ड्रन जॉन आस्क्ड डैडी आर वी गोइंग डाई। जब मैं बच्चों को दिलासा देने के लिए पहुंचा तो जॉन ने पूछा डैडी क्या हम मरने वाले हैं। मैं उसे आश्वस्त करता आई ट्राइड टू अश्योर हिम दैट वी कुड मेक इट कि हम इसे बना सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। बट डैडी ही वेंट ऑन वी आर नॉट अफ्रेड डाइंग इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर यू एंड मम्मी शू एंड आई। वो कहता है कि डैडी उसने आगे कहा कि अगर हम एक साथ हो सकते हैं ना तो मरने से नहीं डरते आप मैं मम्मी शू, हम अगर एक साथ हो जाएं तो मरने से नहीं डरते। I couldn't find no word with which to respond, but I left the children's cabin, determined to fight the sea with everything I had. मैं मुझे जवाब देने के लिए शब्द नहीं मिले लेकिन मैं बच्चों के कैबिन को समुद्र से लड़ने के लिए एक दृढ़ संकल्प के साथ छोड़ दिया। जो कमजोर स्टारबोर्ड था उस पक्ष की रक्षा के लिए मैंने भारी जो नायलॉन की रस्सियां थी उसको, जो समुद्र के लंगर थे उसको बिल्कुल पैराफिन हुआ, 22 लीटर्स के जो प्लास्टिक बैरल थे उनका यूज करते हुए आने वाली लहरों का सामना करने के लिए मैं तैयार हो गया। प्लास्टिक बैरल्स ऑफ पैराफिन, नायलॉन रोप्स, 22 लीटर्स, राइट। एंड प्रोटेक्ट वीकनेस स्टारबोर्ड साइड आई डिसाइडेड टू हैव टू डू अनडैमेज पोर्ट फ्यूल फेसिंग ऑनकमिंग द वेव्स यूजिंग द एम्पॉइज सी एंकर ऑफ हैवी नायलॉन। तो जो भी उसके पास था जिसमें कि 22 लीटर के प्लास्टिक बैरल और आने वाली जो लहरें थी उनका सामना करने के लिए बिना क्षतिग्रस्त जो बंदरगाह था उसको पतवार करने को मैंने हिट करने का फैसला किया। और दैट इवनिंग उस शाम आप कह सकते हो कि मैरी एंड आई सेट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स एज वी मोशंस वी शिप ब्रॉट मोर एंड मोर वाटर इन थ्रू द ब्रोकन प्लैंक। We both fell and was very near.
उस शाम मैरी और हम एक साथ हाथ पकड़े बैठे थे, क्योंकि जहाज की गति जो टूटे हुए तख्ते के माध्यम से अधिक पानी ला रही थी, और हम दोनों को लगा कि अब अंत जो है वो बहुत ही निकट है। बट वे वॉकर रोड आउट द स्ट्रॉम्स एंड बाय मॉर्निंग ऑफ January 6th विद द विंड ईजिंग आई ट्राइड टू गेट रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट बैक इन चार्ट रूम आई वर्क विद द विंड स्पीड्स। और लेकिन वे वोकर तूफान से बाहर निकल गया, और January 6th की सुबह हवा के झोंके के साथ मैंने जो जो सेक्सटेंट था उस पर चढ़ने की पढ़ने की कोशिश की। चार्ट रूम में वापस गया, मैंने जो हवा था उसकी गति को कम किया, और हमारी स्थिति को गणना करने का प्रयास में निश्चित रूप से परिवर्तन, बहाव की धारा, सारी चीजें, चेंज ऑफ द कोर्स, ड्रिफ्ट, करंट ऑफ एफर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजीशन, आई बेस्ट कुड डिटरमाइन दैट वाज वो सम आवर 150 हंड्रेड्स किलोमीटर्स ऑफ ओशंस लुकिंग फॉर 65 किलोमीटर्स वाइड आइसलैंड। और आप कह सकते हो कि 65 मीटर जो चौड़ा द्वीप था उसकी तलाश में थे। और ये सबसे अच्छा यह था कि हम मैं निर्धारित कर सकता था कि लगभग हम कहाँ 150 हंड्रेड, यानी कि आप कह सकते हैं 150,000 किलोमीटर समुद्र से 65 किलोमीटर का जो चौड़ा द्वीप है उसकी तलाश में थे। While I was thinking, show moving painfully joined me, the left side of her head was now very swollen and black and eyes narrows to slits. She gave me a card she had made. जब मैं सोच रहा था कि शू दर्द से चलते हुए मेरे साथ जुड़ गई, उसके सिर का बायां हिस्सा बहुत तेजी से सूज गया था, उसकी आंखें काली, आंखें कटी हुई थी। उसने मुझे कार्ड दिया था जो उसने बनाया था, और ऑन द फ्रंट सी हैड ड्रॉन अ कैरिकेचर ऑफ मैरी एंड मी विथ द वर्ड्स, हेयर आर सम फनी पीपल्स, डिड द मेक यू लव, आई लव अ लॉट एज वेल, इन साइड वॉज मैसेज, ओ हाउ आई लव यू बोथ, सो दिस कार्ड इज टू यू, से थैंक यू एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, समहाउ वी हैड मेक इट। और उसने एक कैरिकेचर तैयार कर रहा था जहाँ पे कुछ कि यहाँ मजेदार लोग हैं और क्या आपको उन्होंने हंसाया, मैं भी खूब हंसा। अंदर एक संदेश था, ओ मैं तुम दोनों कैसे प्यार करता हूँ, और आई लव यू बोथ, हम दोनों को प्यार करते हैं। सो दिस कार्ड, ये जो कार्ड है वो थैंक यू कहने के लिए, लेट्स अब हम आशा करते हैं अच्छे के लिए किसी भी तरीके से, लेट्स फॉर होप बेस्ट, समहाउ वी हैड मेक इट, कि हमने बनाया। आई चेक्ड एंड रीच्ड माई कैलकुलेशन, वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपास एंड आई वॉज यूजिंग स्फीयर विच आई हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वाइब्रेशन। आई मेड एन अलाउंस टू दिस अदर एस्टिमेट्स ऑफ इन्फ्लुएंस द वेस्टर्ली करंट्स विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ इंडियन ओशन। अब हुआ क्या कि आई चेक एंड रीचेक माई कैलकुलेशन, और मैंने चेक किया, फिर से रिकैलकुलेशन की, जो हमारा मेन कंपास था उसको मैंने खो दिया था, और मैं एक स्फेयर का उपयोग कर रहा था जिससे कि जो मैग्नेटिक डिफरेंसेस हैं वो जो चुंबकीय भिन्नता है उसे ठीक नहीं किया गया था। मैंने इसके लिए एक बत्ता और हिंद महासागर के जो इंडियन ओशन है इसके हिस्से में बहने वाली जो पश्चिमी धाराएं के प्रभाव का एक और अनुमान लगाया। सो वेस्टर्ली करंट्स विच थ्रो फ्लो दिस पार्ट ऑफ इंडियन ओशन, अबाउट 2 PM आई वेंट ऑन डेक एंड आई आस्क्ड लैरी टू स्टीर कोर्स ऑफ 185 डिग्री इफ वी वर लकी। आई टोल्ड हिम विथ अ कन्विक्शन आई डिडेंट फील ही कुड एक्सपेक्ट टू सी आइसलैंड एट अबाउट 5 PM। और लगभग 2 बजे मैं डेक पर गया और लैरी को 185 डिग्री का कोर्स चलाने को कहा। अगर हम भाग्यशाली होते हैं तो मैंने उसे विश्वास के साथ कहा, मुझे नहीं लगा, लगभग 5 बजे
द्वीप देखने की उम्मीद कर सकते हैं। देन अ हैवी हार्ट आई वेंट ब्लो क्लाइम ऑन माई बंक एंड अमेजिंगली डोज्ड ऑफ व्हेन आई वोक इट वॉज अ 6 PM एंड ग्रोइंग डार्क आई न्यू वी मस्ट हैव मिस्ड द आइसलैंड एंड विद द शेल वी हैड लेफ्ट वी कुडंट होप टू बीट बैक इन टू द वेस्टली विंड्स। अब हुआ क्या कि फिर मैंने भारी मन से नीचे गया और चारपाई पर चढ़ गया। आश्चर्यजनक रूप से सो गया। जब मैं उठा तो शाम के 6 बज रहे थे, अंधेरा हो रहा था। मुझे पता था कि हम द्वीप से चूक गए होंगे और हम पालों के साथ चले गए होंगे। हम उम्मीद नहीं कर सकते थे कि ये जो वेस्टर्न हवाएं हैं वो वापस आ जाएंगी, राइट। वी कांट होप बैक टू वेस्टर्न विंड्स की वापस आएंगी, जो पश्चिमी हवाएं हैं वो वापस आ जाएंगी। एट द मोमेंट अ टाउज हेड अपीयर्ड बाय बंक। कैन आई हैव अ हग, जोनाथन आस्क्ड। शू वॉज राइट बिहाइंड हिम। व्हाई एम आई गेटिंग हग नाउ, आई आस्क्ड। मैंने पूछा। एट द मोमेंट, उसी समय मेरी चारपाई के पास एक गुदगुदी सिर दिखाई दिया। क्या मैं गले लगाऊं, जोनाथन ने पूछा। शू उसके ठीक पीछे था। मैं अब गले क्यों लग रहा हूं, मैंने पूछा। क्योंकि आप पूरी दुनिया के सबसे अच्छे डैडी हैं, सबसे अच्छे कप्तान, मेरे बेटे ने जवाब दिया। बिकॉज ऑफ यू आर बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड एंड यू आर बेस्ट कैप्टन, मार्शन रिप्लाइड। नॉट टूडे जॉन, आई एम ऑफरेड। मुझे डर लग रहा है। Why you must be sad? Show in the matter of fact why you found Iceland. और आपको आप क्यों आपको होना चाहिए, सुने बिल्कुल असली स्वर में कहा। आपको द्वीप मिल गया क्या, मैं चिल्लाया। आई शाउटेड। इट वॉज देयर इन फ्रंट ऑफ अस। दे क्रॉस्ड एज अ बिग एज अ बैटल शिप। और यह हमारे सामने है, उन्होंने गाया एक युद्धपोत जितना बड़ा। मैं डेक पर पहुंचा। आई रश्ड ऑन द डेक एंड गेज्ड विद रिलीफ एट द स्टार्क आउटलाइन एली एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम इट वॉज अ ओनली ब्लीक पीस टू वॉल्केनिक रॉक विद द लिटिल विजिटियन द मोस्ट ब्यूटिफुल आइसलैंड इन द वर्ल्ड। और जब मैं डेक पर पहुंचा तो एली एम्स्टर्डम की स्पष्ट रूपरेखा राहत के साथ देखा। यह ज्वालामुखी चट्टान का केवल एक अंधकार में टुकड़ा था, जिसमें थोड़ी वनस्पति घी। दुनिया के सबसे खूबसूरत द्वीप था ये, राइट। आगे बढ़ते हैं और यहां पे लिखा, वी एंकर्ड ऑफ श्योर फॉर द नाइट एंड नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 इनहेबिटेंट्स ऑफ द आइसलैंड चीर्ड एज दे हेल्प अस अश्योर। और जब मैं डेक पर पहुंचा तो हमने रात के लिए जो वहां पे हमने लंगर डाला ऑफशोर एट द नाइट एंड ऑल 28 इनहेबिटेंट्स ऑफ द लैंड चीर्ड बाय द हेल्प देन अशोर। और जो भी 28 जो लोग थे उन्होंने खुशियां मनाई क्योंकि उन्होंने हमें तट पर मदद की। विथ लैंड माई अंडर फीट अगेन, पैरों के नीचे से जमीन घिसल गई। माई थॉट वर फुल ऑफ लैरी एंड हैरवी, चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक अंडर द टेरेस्ट स्ट्रेस ऑफ मैरी हु स्टे एट द व्हील फॉर दोज क्रूशियल आवर्स। मोस्ट ऑफ ऑल आई थॉट अ 7 years ओल्ड गर्ल हु डिडंट वॉन्ट अस टू वरी अबाउट हेड इंजरी विच सब्सिक्वेंटली टुक 6 minor ऑपरेशंस टू रिमूव द रिकरिंग ब्लड क्लॉट बिटवीन स्किन एंड स्कल एंड द 6-year-old बॉय हु वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई। सबसे अधिक और जब मेरे पैरों के नीचे से जमीन घिसक गई कि मेरे विचार लैरी और हार्वी से भरे हुए थे, काफी गंभीर तनाव, हसमुख आशावादी, मेरी उन सभी इंपॉर्टेंट जो घटनाएं घंटों हम पहियों पर रहे। सबसे अधिक मैंने उस 7 साल की लड़की के बारे में सोचा जो नहीं चाहती थी कि हम सिर की चोट के बारे में चिंता करें, जिसके बाद उसकी जो स्किन है, जो खोपड़ी है, उसके बीच जो ब्लड है वो बिल्कुल 6 operations किए गए और 6 साल का लड़का जो मरने से नहीं डरता था। देखिए ये तो कंप्लीट चैप्टर के बारे में बात हो गई। अब बारी है कि इस चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चन आंसर है उनको भी डिटेल में समझा जाए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट के बारे में और उम्मीद करता हूँ कि ये चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को आपने बहुत अच्छी तरीके से समझा होगा।
तो यहाँ पे तीन क्वेश्चन है, पहला फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। पहले क्वेश्चन में दिया हुआ लिस्ट द स्टेप टेकन बाय द कैप्टन टू प्रोटेक्ट द शिप व्हेन रफ वेदर विन एंड चेक द फ्लडिंग ऑफ वाटर इन द शिप और डिस्क्राइब द मेंटल कंडीशन। बताना है हमें फोर्थ और फिफ्थ जनवरी के बारे में। फिर हमें जो स्विफ्ट का जो नरेशन है, इवेंट एज इंडिकेट द थ्री सेक्शन टेक्स्ट सब टाइटल ईच सेक्शन। आपको ये जो पूरे इवेंट है ना, इसको तीन सेक्शन में डिवाइड करना है और उसको सब टाइटल देना है कि कब क्या क्या चीज़ें हुई। तो डेट वाइज आप सब टाइटल भी दे सकते हो, क्या क्या घटनाएं घटी हैं। और सबसे पहले इन तीन क्वेश्चन आंसर को करेंगे, फिर आगे हम मूव करेंगे, देखेंगे कि क्या और चीज़ें हमें समझनी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में अगर हम देखें यहाँ पे, तो आप इजीली समझ सकते हो इस चैप्टर के अंदर कि कैसे क्या चीज़ें दी हुई हैं और इजीली आप इसका अंदाजा भी लगा सकते हो, राइट। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें तो दी गई हैं जिसके बारे में हम समझ सकते हैं, जैसे कि ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राइट। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये हमारा, और इसके साथ साथ में ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो सेकेंड है, राइट। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर जो हम स्टेप्स की बात करें, तो ये पहला है टू प्रोटेक्ट, तो ये पहला क्वेश्चन हमने एक्सप्लेन किया हुआ, और ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। इसी के साथ आ जाते हैं हम ये सेकंड जो क्वेश्चन है इसके बारे में कि यहाँ पे क्या दिया हुआ। तो यहाँ पे मेंटल कंडीशन को डिस्क्राइब करने की बात करी गई है फोर्थ और फिफ्थ जनवरी के बारे में, कि जो मेंटल कंडीशन है वो क्या हो सकती है फोर्थ जनवरी की और फिफ्थ जनवरी की। तो यहाँ पे इसके आंसर्स को आप इजिली एक्सप्लेन कर सकते हो कि ऑन द फोर्थ ऑफ जनवरी जो वेगर्स थे, जो समुद्री यात्री थे, वो उनको 36 आवर्स कंटिन्यूस पंपिंग आउट वाटर में कर रहे थे। फर्स्ट मील ऑलमोस्ट 2 days, पहली मील उनको 2 दिन बाद मिली। देयर रेस्पाइट वाज शॉर्ट लिव्ड, दे फेस्ड डेंजरस सिचुएशंस ऑन जनवरी 5th, फियर ऑफ डेथ लूम लार्ज, दे आर अंडर ग्रेट मेंटल स्ट्रेस, बहुत ही मेंटल स्ट्रेस में थे। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि यार है ना, तीन चीज़ों में डिवाइड करना है, इंडिकेशन करना है, थ्री सेक्शंस में डिवाइड करके बताना है कि क्या सुटेबल टाइटल हो सकते हैं। ठीक है, ये अगर फर्स्ट सेक्शन की बात करें तो पीसफुल, ये सारी चीज़ें सेक्शन वन में अगर हम देखें तो चीयरफुल जर्नी रही है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो। और सेक्शन टू में फेसिंग द वेव, वेव को फेस करना, और सेक्शन थ्री सर्चिंग द आइसलैंड, तीसरे में आइसलैंड को ढूंढना। तो ये इस तरीके से हम तीन सब सेक्शंस बना करके चीज़ों को रख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उन पे आते हैं और उनको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या दिया हुआ है। अगर हम टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पे चार क्वेश्चन दिए हुए, 1, 2, 3 एंड 4, तो इनको हमें डिस्कस करना है पार्टनर के साथ में और इन चारों क्वेश्चंस के आंसर्स को हमें देना है। तो चलिए इसको देखते हैं कि क्या हो सकता है इसका परफेक्ट आंसर। पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहले क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि व्हाट इज द डिफरेंस डिड यू नोटिस बिटवीन रिएक्शंस एंड द एडल्ट एंड द चिल्ड्रंस वेयर फेस्ड डेंजर। तो ये पूरा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डिफरेंस वे हैं अलग अलग एडल्ट और बच्चों का जिन्होंने डेंजर को फेस करे, तो ये सारी चीजें जिसके बारे में आप देख सकते हो और समझ सकते हो। और आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा, तो स्क्रीनशॉट लेकर के इजिली आप इनके आंसर्स को लिख सकते हो। तो अब हम आगे मूव करते हैं, सेकेंड आंसर्स के बारे में बात करेंगे। हाउ डज द स्टोरी सजेस्टेड द ऑप्टिमिस्टिक हेल्प टू एंड्योर द डायरेस्ट स्ट्रेस, तो ये पूरा दिया हुआ, इसको भी हम इजिली यहाँ पे देख सकते हैं और लिख भी सकते हैं कि क्या चीज़ें हैं और कैसे आप इसे समझ सकते हैं। तो ये है कम्प्लीटली जिसके बारे में आप लिख सकते हो और समझ भी सकते हो। तो ये है सेकंड का आंसर। आप थर्ड के आंसर्स पे आ जाते हैं, तो ये थर्ड का आंसर है, आप देख पाओगे व्हाट लेसन्स वी लर्न फ्रॉम द सच हेजिटेशंस, आप कह सकते हो कि क्या हमने सीखा यहाँ पे और एक्सपीरियंस क्या मिला, क्या फेस किया विद द डेथ, ये सारी चीज़ें हैं। और इसके साथ साथ कुछ और भी चीज़ें हैं, इसके आंसर्स को आप लिख सकते हो, राइट। ये आंसर है, इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आ जाते हैं कि व्हाट यू थिंक पीपल अंडरटेक द एडवेंचर्स एक्सपेंडिशन टू इन स्पाइट ऑफ द रिस्क इन्वॉल्व, तो ये पूरा एडवेंचर है। और अब हम आगे बढ़ते हैं इन क्वेश्चन पे जिसमें लिखा हुआ है कि हमें बताना है कि ये हाउ मेनी वर्ड लैंग्वेज फ्रॉम द स्ट्रॉम से क्या क्या वर्ड्स आ सकती है, आदि आ सकता, तूफान, झंझपत, चक्रवात, ये सारे ऑन लैंग्वेज में हमें लिखना है। तो ये सारे हमने लिख करके बताए हैं। इस तरीके से नेम्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेसल्स ट्रेवल्स ऑन वाटर, जैसे याच, बोट है ना, कैनॉय, शिप्स, स्ट्रीमर, तो अलग अलग, जैसे कि नौका हो गया, नाव हो गया, पोत हो गया, जहाज हो गया, अलग अलग चीज़ें बोलते हैं। तो इसको हमने अपने वर्ड में लिखा हुआ है।
इसके साथ साथ थर्ड क्वेश्चन के बारे में बात करें तो यहाँ लिखा हुआ है कि कैटरमैन काइंड्स ऑफ बोट डू यू नो द इंडियन लैंग्वेज दिस इज द वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम चेक डिक्शनरी द वर्ड कैटरमैन इज डिराइव्ड फ्रॉम द तमिल इट मीन्स अ टाइट बोट राइट राइट और कैटरमैरॉन इज द याच अदर बोट विद द ट्विन्स हील्स इन अ पैरेलल एंड द डिक्शनरी डिफाइन इट्स अ फास्ट सेलिंग बोट विथ टू व्हील के साथ में फास्ट सेलिंग बोट है. अब हम आते हैं फोर्थ वाले क्वेश्चन पे कि हैव यू हर्ड एनी बोटमैन सॉन्ग व्हाट काइंड ऑफ इमोशन दिस सॉन्ग्स यूजुअली एक्सप्रेस दिस सॉन्ग्स अपॉन ऑल द सेलर्स अवेक अराइज एंड सेट आउट द सीज एक्सप्लोर इट्स रिच वेल्थ दीज सॉन्ग्स आर फुल इंस्पिरेशन एंड प्रोवाइड मोरल सपोर्ट टू शेड एंड डिस अपॉइंटमेंट डिपोर्टमेंट. तो ये सारी चीजों के बारे में हमें मोरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. अब हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस में देखते हैं कि क्या हो सकते हैं और इसके आंसर्स. जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे फॉलोइंग वर्ड्स आर टेक्स्ट शिप्स टर्मिनोलॉजी ऑल्सो कॉमनली यूज इन अनदर सेंस अलग अलग सेंस में भी यूज करते हैं. व्हाट कॉन्स्ट्रक्ट वुड यू द मीनिंग जैसे कि नॉट नॉट का मतलब मैंने बताया बांधना भी होता है स्ट्रन बूम हैच एंकर तो अलग अलग चीजें नॉट देखिए स्ट्रिंग वाला होता है हेयर के लिए वुड ग्रुप ऑफ पीपल राइट ऑफ मसल्स स्टीम में भी अलग अलग चीज़ें होती हैं बूम में भी बिजनेस इकोनॉमी है ना पॉपुलर पीरियड्स टाइम होता है उसमें बूम का यूज़ करते हैं साउंड में भी यूज़ करते हैं रिवर माइक्रोफोन्स में भी बूम ना हैच में अलग अलग चीज़ें हैं एंकर में टू फाइव फॉर्मली है ना अलग अलग चीज़ें हैं जिसमें हम इन सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं राइट right. इसी तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है कि फॉलोइंग थ्री कंपाउंड्स वर्ड्स एंड विद द शेप व्हाट डज ऑन ईच ऑफ देम मीन. तो ये सारी चीजें जैसे एयर शिप दिया हुआ है फ्लैग शिप दिया हुआ है लाइट शिप दिया हुआ है तो वो सारी चीजें यहाँ पे दिया हुआ है कि थ्री कंपाउंड्स पे क्या हो सकते हैं. इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर अगर हम थर्ड की बात करें तो थर्ड क्वेश्चन में भी काफी हमने यहाँ पे आंसर दिया हुआ है और इसी तरीके से ये दिया हुआ है हेयर इज अ पिक्चर ऑफ याच. ये जो दी हुई है वो याच की पिक्चर दी हुई है और इस पिक्चर में काफी कुछ चीजें हैं जो इस वर्ड को बताना है कि ये मेस्ट ये होता है मैन से लिए होता है बूम ये होता है अलग अलग चीजें बतानी है कि मैन से लिए होता है और इसके साथ में स्टीम ये होता है रडर ये होता है कैबिन ये होता है ना बो ये होती है तो अलग अलग चीजें दिया हुआ है कि कहाँ पे क्या होता है उन सारी चीजों के बारे में दिया हुआ है. तो ये इस तरीके से जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है और आई होप कि इस चैप्टर को इसके क्वेश्चन आंसर को आपने अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट लिए होंगे समझे भी होंगे. अगर आपको लगता है कि नहीं फिर भी कोई डाउट है या किसी भी तरीके की कोई भी अगर समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में सुझाव और सजेशन दोनों ही दे सकते हो और उसके लिए आप ये जो नंबर है इस नंबर पे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो आप और इस नंबर से आप काफी कुछ चीजें भी सजेशन सुझाव भी दे सकते हो 8770077431. सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम एट द लास्ट गॉड ब्लेस यू थैंक यू सो मच.